सात सब्जेक्ट थे, पांच में इसको ग्रीस मिला था। कितनी अच्छी चिट्ठी लिख के दे, उठी नहीं है सोई है। अपनी तारीफ करने के लिए कहो। राहुल जैसे ही लग रहे हो। कुंभकर्ण अभी तक सोए हुए हैं। दस भयंकर पंगा हो गया था। हजार बार सब्सक्राइब करो। तो मैं अपनी कह रही हूँ, तुम तो कहो बाबा। अरे ऑन किसने किया ये? मुझे पता ही नहीं है कि वीडियो ऑन कर दी है प्राची ने। हेलो दोस्तों, मैं पूर्वी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पूर्वी सिंह ब्लॉग्स में। आई होप यू गाइज आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आप सभी को मेरा प्रणाम और पहला तो आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ फिर से एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग स्टार्टिंग हो रही है गाइज सुबह के 8 बजे से। और घर का सारा काम मेरा हो चुका है, मतलब झाड़ू मैंने लगा दिया सुबह ही, चाय पानी भी हो चुका है। और अभी हम बना रहे हैं किचन में नाश्ता। और अभी तक पता है वो उठे नहीं है सोए हैं। मैं गई थी उठाने, नहीं उठे। कह रहे इतने दिन से आया हूँ सोने दो, अब थोड़ी देर में उठेंगे वो। तो अभी प्राची और मैं यहाँ पे बना रहे हैं नाश्ता। प्राची मेरी हेल्प कर रही है रोटियाँ सेकने में, क्योंकि आज इनके स्कूल की छुट्टी है। तो ये कल यहीं सोई थी इसलिए मेरे साथ ही है आज। और ये बन रही है रोटियाँ गाइस, गोल गोल रोटियाँ। और मैंने हाँ मतलब ट्रायंगल शेप की भी हो सकती है रोटी अगर मैं बनाना चाहूँ तो। तो और हमने यहाँ पे बना दी है सब्जी, बन रही है वहाँ पे सब्जी, पक रही है, पकी नहीं है। तो उसमें बनाई है मैंने, किसकी सब्जी बनाई यार हमने, मैं तो भूल गई, हाँ आलू और गोभी की। और बताया कल क्या हुआ, इसके और अप्पू के बीच में बहुत भयंकर पंगा हो गया था। इनका समझौता करते करते ना हम फंस गए, मतलब कल के दिन तो ये दोनों एक ही हो जाते हैं, खेलना शुरू कर देते हैं। और फिर कहते हैं कि आपने हमें नीचे भेजा, आपने हमें नीचे भेजा, जो भी इनसे नीचे जाने के लिए कहता है। अगले दिन उसको क्या करता था, कोई बात नहीं, कल तो अप्पू को नानू ने प्यार से छोड़ा था, कल तेरी बारी भी आएगी ऐसे ही किसी दिन प्यार से छोड़ने वाली। जैसे उसको कल मैं ऐसा करूंगी नहीं अप्पू के साथ, कैसा अगर जैसे कहेंगे नीचे सो जा तो सो जाएगी। कल तो नहीं सोई तूने, कल तो आतंक किया था, पता ना कल तो मैं चले गई थी, मैं जा रही थी, अप्पू ने मेरे को मारा कैसे। अच्छा कल पता है अप्पू ने गुंडागर्दी करी थी, कल अप्पू ने अपराची के ऊपर हाथ उठाया। लेकिन फिर बाद में हमने पूछा तूने प्राची को क्यों मारा अप्पू, कह रही है वो ना मुझे रोज मारती है इसलिए मैंने आज मारा उसको, ऐसा ही कह रही थी। बताया आजकल धूप ही आ रही है खैर वैसे, लेकिन सुबह ऐसा लग रहा था कि मतलब बादल लगे हुए हैं लेकिन धूप आ चुकी है गाइस। और इसी के साथ आपको आज का मौसम भी दिखा देती हूँ कैसा हो रहा है। ओह माय गॉड, बनी वाली की लिप लगा के घूम रही है। कल मैंने इससे मांगी, इसने दी नहीं मुझे ये बनी वाली की लिप, मैंने लगाई। आपने मेरे साथ गुंडागर्दी करी थी क्या, अब उसे बोल के मेरे को ऐसे मारा था पेट में। वो तो दोनों बहनों का ही, तुम्हारा होता नहीं है जिसको सब। अच्छा मैंने चुके अप्पू मेरी पार्टनर है, कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ती, ये दगाबाज है। हाँ मम्मी बोलो। अल्लाह नेमल, क्या कर रहे थे आप? मम्मी कुछ कहना चाह रही थी पक्का, फोन के बारे में कुछ नहीं बात। और कुंभकर्ण अभी तक सोए हुए हैं। 10 बज गया 10, नहीं उठ रहे आज। ए? देखो अभी भी नहीं उठ रहे गाइस, कैसी नींद आई है लोगों को बाहर। उठो नहीं उठ रहे, ठंडा मतलब ठंडे लोग उठ रहे नहीं उठ रहे हो तुम्हारे बच्चे में बन गई वैसे मारूंगी ना। आज नहीं उठ रहा, सोए रहोगे दिन भर। उठूंगा कब, 11 बजे? नहीं अभी उठ जाऊंगा। 9 तो अभी बज गया है, फिर क्या 1 घंटा और कितना बज रहा है फिर? 9 ही बज रहा है, मैं कह रही हूँ 9 बज रहा है, तो 9 बज रहा है, सोए रहो, सो जाओ सो। नाश्ता वगैरह भी हमारा हो चुका है। और अभी मैं ना राहुल के कपड़े लेके आए धोने के लिए, इतने सारे कपड़े बना के लेके आए ना वहाँ से पूछो मत। तो अभी मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए गए इसलिए अभी इसमें है टाइम, अभी 40 मिनट दिखा रहा है, अभी 1 पहुँचेगा उसके बाद कपड़े धुल पाएंगे। और शूज वगैरह मैंने धो दिए हैं, बैग वगैरह। अभी इसका ना सिस्टम मेरे को समझ में ही नहीं आया था जब स्टार्टिंग में मशीन आई थी, मतलब ऑटोमेटिक मशीन थी तो
अंदाजा नहीं आ रहा था, लेकिन मैं सिंपल सा कर देती हूँ, एक ऑन ऑफ का बटन दबा देती हूँ, हो गया, और एक प्ले वाला, उसके बाद बाकी चीज़ें खुद ही ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है और खुद ही कपड़े धुल के ड्राई भी हो जाते हैं। तो जब तक ये कपड़े धुलते हैं तो मुझे यूट्यूब की वीडियो जो है थोड़ी सी एडिट करनी है, वो एडिट करती हूँ, और थंबनेल भी नहीं बनाया आज, तो थंबनेल बनाते हैं, उसके बाद गर्ल्स आगे का काम करते हैं। मेरी चिट्ठी जरूर पढ़ो और नाले बल जीजा जी बल, आप कितनी अच्छी चिट्ठी लिखते थे, सब सब पढ़ने भैया वाले जीवन शिमोल कोटो जीवन झगड़ा तुम बती। ये तो बताओ मम्मी की राय मेरी रख, आपकी चिट्ठी मैंने पढ़ी, वो पापा ने भेजी थी, उसमें इतना प्रेम था, आपकी चिट्ठी का सबूत। प्रेम फिर कितना प्रेम होता होगा हम लोगों में। आपने क्या लिखा था चिट्ठी में, आप क्या लिखते थे? पापा ने लिखा था मेरी प्यारी नीलू, मैं मेरे प्राणनाथ परम पूज्य प्राणनाथ, हम तो ऐसा ही लिखने वाले हुए फिर की करो, मैंने इन्हें चिट्ठी में निशे बचा दे रहा रहा तो चोल थो मेरी चिट्ठी की तुम चिथोड़ लेने रहा रहा ला छोटो। हाँ पता है मम्मी ने इतनी चिट्ठी, मैंने इतनी सवाल के चिट्ठी रखी है, तो ने जो थी बल मम्मी मैंने चार बार पढ़ी बल, मेरा जी नहीं भरा उस चिट्ठी, चार बार पढ़ी मैंने। और मेरी तो मेरी चिट्ठी एक न रह रहा है, वही तो मैं इनको मेरे लिए राख दिना है चिट्ठी यादगार, पापा ऐसा लिखते थे बल यू आप, मैं परम पूज्य प्राणनाथ चिट्ठी लिखा दी अपनी तारीफ करने के लिए कहो, चारों तरफ से चारों उंगली घी में ही चोके रहते हैं। मैं ये चिट्ठी एडवांस ही लेखन भाई ये पापा जैसे वहाँ बैठे आ गई तो वो एक जवाब दिन दिया ना चिट्ठी का, जवाब देने में कुछ देर हुई कुन ब्या चिट्ठी में जवाब देने में, आप पत्र मिल गया था आपका उसका जवाब देने में मतलब कुछ देर हो गई, फिर मतलब याद आ रही है कुछ चिंता हो रही है, कभी बीच में आज चिट्ठी लिखी जा रही है हमार, मतलब बहुत दिन हो गए हैं आपका पत्र नहीं मिला और क्या क्या चिंता हो रही है, और कभी मैं लिखा लू मुझे आप याद आती है, फिर वहाँ बटे वाल लिखा जैसे आप घर का बारी हो गए घर कब आ रहे हो आप, पहली तो कुंदिया मतलब अगले महीने कोशिश करूंगा छुट्टी मिलेगी तो, अब मुखल आई नहीं जानी इन भाई, अब फोन थोड़ी भैया सरप्राइज क्यों सरप्राइज ना हो तले सुन घर उन टाइम में तले सुन हुई भैया कि तले वहां में सुन में सारो इन भैया कह को बोलिए झल वाल बह घूम रही को मर हुई पोस्टमैन जाले छुट्टी वाला छुट्टी की छुट्टी वाला कान में नानू चिट्ठी नंबर चिट्ठी चिट्ठी पर घोर ठुलवा छनो जो शिवन जैन बे तार जुवारी उल्ली उन गया बिमा बोली उन गोरे लग यार मैं क्या करा मैंने नहीं नहीं सुबह सुबह आप मेरे से किचन में आके पूछ रहे थे कल फेशियल कर गया आज मैं गोरा हुआ नहीं हुआ, मैंने बोला अभी कैसा लग रहा हूं मैं, कल फेशियल कहां बोला यार, राहुल जैसे ही लग रहे हो, मैं ऐसा ही था छोटू तो वहाँ मेरी निपोल वेर आ रही थी बस, मैं ऐसा ही था बोला ऐसे तो हो गया ऐसा ही, कल जो फेशियल करा मैंने वो मतलब बर्बाद गया मेरा, मैंने खाली मैंने अरे इसकी लाना वो इतनी चिपोल हो रही हो ना खुद को ताना के लेना, देखा मम्मी ने बोल ही दिया सच। तो गाइज लंच वगैरह भी हमारा हो चुका है और प्राची मेरा मेकअप कर रही है आज गाइज, और ये बन गई है मेकअप आर्टिस्ट तो हम लोगों का लंच तो हो गया था, प्राची ने लंच नहीं किया है क्योंकि दीदी जो है ना अपनी फ्रेंड के घर गई है, अप्पू भी चली गई आज, मैंने उससे बोला भी मज्जा बोला पता है, लेकिन उसने मेरी पार्टनरशिप को तोड़ के वहाँ गई है, उसने मुझे धोखा दिया है गाइज, तो वो चली गई है वहाँ, तो मैं प्राची को लेने आई थी नीचे कि प्राची लंच करेगी, क्योंकि जिस टाइम हमने लंच करा था ना उस टाइम प्राची मैडम नहा रही थी, नहा मैं आई थी नीचे, ये बोली थी मामी अभी नहीं मैं नहा के आऊंगी, और आजकल बताइए अपने बालों में क्या क्या नुस्खे अजमारी है, आजकल इसने सीख रखा है नया सिल्की बालों वाला आइडिया, बता जल्दी कैसे बनाएंगे गाइज अपने सिल्की बाल बता जल्दी, एलोवेरा से, एलोवेरा को शैम्पू में मिक्स करके लगाती है जिससे इसके बाल घने सिल्की और लंबे हो जाते हैं गाइस, ना ना लंबे तो कुछ नहीं हो रहे हैं बेचारे दो मुंह वाले हैं क्या कर सकते तो इसके सिल्की बालों का राज यही है कि शैम्पू में जो है थोड़ा सा एलोवेरा कैसे लगाती है उसको मिक्स करके ग्राइंड करके, हाँ इसी से पूछ लो ग्राइंड करती है फिर लगाती है, आ जाओ ऊपर चल भात खाएगी,
तो गाइज हम लोग इसको ले जा रहे हैं ऊपर भात खाने के लिए। टीवी बंद करके आना। यतिना रखा है और मामी के वहाँ पे हाल कुछ ऐसे हुए हैं। मामी अपना ये धो रही है बता के क्या ये सिंह और वॉश बेसिन में कौन धोता है ये? मैं धो रही हूँ क्योंकि ना है क्या ये मेरी ये विंडशील्डर है इसमें थोड़ा सा सर्फ रह गया था ना सर्फ रह गया मैं यहाँ पर धो रही हूँ। मामी को सर्फ से भी बहुत प्रॉब्लम है ना इसमें दाग रह जाते हैं ना दाग रह जाते हैं इसीलिए। और अभी मैं मामी के लिए लाई ये दवाई जो मेरे हाथों से गिर गई बस पता मामी का मुंह जो जल रखा है बेचारी मामी कोई बात मामा नहीं किया है अच्छा झूठी मामा ने किया है तो उसमें जलने जल जलने वाली जो दवाई होती है वो क्यों लगा रहे हो मामा ने चलाया ना कल मारा अच्छा मामा ने मारा आप क्या कहना चाहोगे इसमें आपने मारा क्या मामी को आपने मारा मामी को मुंह में जो मामी के मुंह में ऐसे घाव हो रखे हैं मामा ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे मामा को कुछ पता ही नहीं है देख किया ना और इन्हीं की वजह से मैं कपड़े धोना भूल गई दिन में मैंने कपड़े भिगा दिए थे धोने के लिए और अभी धो रही हूँ अभी आ रही है मुझे याद मामा अपने मुंह छुपा के निकल रहे हैं गलती करा हुआ इंसान ऐसे ही करेगा तो गाइज अभी तक हम सोए थे और मामी को कुंभकर्ण की नींद सोई थी बड़ी मुश्किल से मैं उठाने आई और उसके बाद मामी अभी बना रही है चाय और मामी सफेद करके अभी तक सोई हुई थी हाँ जो सच्चाई है वो हाँ, तो मेरे फेस में कुछ इन्फेक्शन हो गया गाइज इसलिए मैंने लगाया है तो गाइज किसी को पता है तो मुझे बता देना कि मैं फेस में क्या लगाऊं फिलहाल तो मैंने वेटनोवेट लगाया हुआ है लेकिन इतने समय तक खराब नहीं हुआ जितने समय मैंने ये लगाया है तो लेकिन ड्राई जैसा हो गया तो तभी मैंने ये लगा दिया है ऐसे हालत हो गई कोई नहीं क्या सोच रही थी क्या हो गया मेरे साथ। और नानी लोग गए हैं घूमने और कुंभकर्ण मामा अभी तक तो सोया था फिर उसके बाद फोन में लगा था फिर अभी देखते क्या कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे होंगे कुछ इस तरीके से मामा का यहाँ पे हो रखा है सब कुछ मामा यहाँ सोए हैं और फोन देख रहे हैं और नानू आ चुके हैं घूम के नानू घूम के आ गए हैं और बताओ फिर नानू कहाँ गए थे आज घूमने घूमी 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 मेरी घूमी नानी गए फिर नानी भी तो आ गई थी ऊपर अच्छा आप कहाँ गए थे घूमने आज वो गए थे उधर उधर किधर की यहाँ पे पापा क्लास लगा रहे हैं ढोलक की मम्मी को सिखाने के लिए चले गए अभी आएंगे आगे आगे स्टूडेंट टीचर कब से इंतजार कर रहा है क्लास में लेट हो चुके हैं आज आप ऐसी उंगली बनाओ इस बार बताओ टीचर नहीं गलत है अंगुली ऐसा रख हमेशा अंगुली ऐसा रख जब ये आंगुल मारते हैं ये आंगुल मारने चाहिए फैन ये अंगूठी तो लगी नहीं रही है गुरुजी ये उंगली तो लगी नहीं रही है बल हमेशा इशू बन जाए आंगुल उंगली ऐसी होनी चाहिए ढोलक में गैप ना को ना उंगली के बीच में तब होगा ये उंगली ऐसी होनी चाहिए ये उंगली ये बजेगी तो ये बजेगी ये बजेगी तो ये बजेगी ये नहीं बजेगी तो ये बजेगी ऐसे लिया ढोलक की क्लास और वहाँ पर अप्पू देख रही है फोन चला रही है वो नानी का फोन मिल रखा है मस्त हो गया फोन देख लिया आज बढ़िया देख लिया ये वाला तो पक्का डालूंगी मैं कल बोले तेरे मंदिर में गणपति भी आए संग रिद्धि सिद्धि लाए ब्रह्मा जी भी आए संग ब्राह्मणी को लाए वेद सुने दिन रात बोले तेरी मंदिर है
पास हुए फिर मम्मी फेल हुए आज थोड़ा सा प्रमोशन दे के पास हाँ थोड़ा सा मतलब गिरीश मिल जाओ गिरीश गिरीश हमारे उन्होंने कहा गिरीश जिसके गिरीश नहीं भाई पास छुपाने वाले ना हाँ कौन सा छुपाने गिरीश बोलते हैं फिर उसको रोड में देखिए जो टायर में ग्रीस होता है वो वाला ग्रीस हमारे दिनों प्रमोशन ना कोई बैलीज होती आज ग्रीस वही हो रहा है आज आप ग्रीस वो क्या ना कुछ पता कि थे वो पर ग्रीस है पास ग्रेस कौन क्या ग्रेस अब मम्मी लोगों ने ग्रीस ही बोला ना हमारी इस और कुछ हो रहा पास मारी पर ग्रीस कोई नहीं आज प्रमोशन लेके हुए फिर पास तब ग्रीस लेके हुए थे आज प्रमोशन पहले गिरीश पास होने हैं मैंने प्रण कर रखा था इसको ढोलक में बजाना सिखाऊंगा अगर अच्छा सीखने वाली नहीं लेकिन पापा कान पकड़ दिए वेरी गुड नहीं है थोड़ी वो तो इस कर को इस ना कर रही अब एक साल में तो इस ना कर सको नहीं कर कर लिया बताओ मुझे तो मैं 5 साल हो गया ना पापा जो कम कम बता रहे हैं एक साल बताओ तो एक बार 5 साल ले बजाऊंगे 5 साल में भी मम्मी प्रमोशन लेके पास हुए हो आप आठ पास ही तो भाई हूँ मैं एक मार्क्स मैं मिल चुकी हूँ बस 5 पास हुई हाँ नहीं मिली मुझे पापा बताएंगे कदो सब्जेक्ट होने वाले में तुम्हारे 5 में कदो सब्जेक्ट होने टाइम में 7 भाई 7 सब्जेक्ट थे 5 में इसको ग्रीस मिला था ओए 500 मिलियो ना में 7 खिला हो जाए 8 सब्जेक्ट हो जाए 500 मिलियो 5 में ग्रीस अंडा सिर्फ 3 सब्जेक्ट थे जब मैं मतलब क्लियर पास हो ही नहीं भाई कौन से थे वो सब्जेक्ट 8 पास मेरे बोर्ड था हमारे दिनों में 8 पास बोर्ड में थे बोर्ड था ना 8 हां तभी तो कह रहे हैं 5 में ग्रीस थे के पास हुए बोर्ड में बोर्ड है परीक्षा दी मैं 8 है की मैं देखिए अंडा नीचे फिर अंडा भी खिलाओ मुझे बोर्ड आग पास हुई मैं आप पापा कह रहे हैं अंडे आए मम्मी कह रही है अंडे नहीं आए खिला आग पास बोर्ड है परीक्षा पास हुई हूँ तो मैं तो सेकंड डिवीजन पास हुई हूँ वो टाइम में सेकंड डिवीजन मिल नहीं जाने पे ग्रीस मिल रही हाँ ये पापा यही तो कहना चाह रहे थे ग्रीस मिल गई सेकंड डिवीजन पास अगर मिलो तो ग्रीस इसलिए देते थे लड़ोगे करके फटाफट अरे तबियत को ग्रीस पास हो रहा है सर प्रमोशन तभी तो फिसल के आप 9 में गए नहीं तो वहीं अटक जाते ग्रीस जो नहीं मिलता तो अगर उन सब्जेक्ट में ग्रीस नहीं मिलता ना आज ढोलक लिए बड़ी बजा लेते सन 82 में तो मैं 82 सन में 8 पास हुई हूँ तुम फिर खाली हो रही हो अच्छा मैं कतो सन में भई हूँ आजकल पास पापा उससे भी पहले 82 सन में मैं पास 8 पास किया मैंने 1982 में 1982 में तो मैं अपनी कह रही हूँ तुम तो कौन पापा नहीं मैं सन 80 में हाईस्कूल पास कर रही हूँ अब मैं तो मैं कांजी भई हूँ मैं अपनी रखनी मेरी मम्मी ने ना ऊपर अब जेठ होने का ना अब कंची भाई हूँ बस पापा का कहने का मतलब है अगर मैं सन 1980 में हाई स्कूल पास कर सकता हूँ तो 1983 के तूने तो 12 पास करना चाहिए था चल 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 ठीक अब एक चीज खुशी में एक 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 गांव लगा दी था ना कंची रे प्रीत मेरी सांची रुक जाना जा
के सच प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं, सच्चा है वादा मेरा झूठा नहीं, सच प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं, मैं जो चला जाऊंगा वापस नहीं आऊंगा, मैं जो चला जाऊंगा वापस नहीं आऊंगा, ये तेरी अब तो शर्म आ गई, मुंह लगा दिया तो शर्म आ गई। नहीं बनाऊंगा आज ही, मेरे से गुस्सा हो गया आज, लोग ट्रेंडिंग नहीं कर रही है और पता नहीं क्यों चली गई है, नहीं बोल रही आज। तो गाइस इसी के साथ ब्लॉग एंडिंग कर देते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले जय हिंद जय भारत, स्वस्थ रहिए मस्त रहिए और हंस रहिए गाइस। बाय गाइस, कल मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ।